मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 225 केंद्रों पर कुल 23,883 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 5,351 तथा सेकंड डोज लेने वालों में 18,532 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में अब तक कुल 33,83,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने जनता से अपील किया कि सभी सीएचसी पीएचसी सहित सरकारी अस्पताल एवं जिला अस्पताल पर मुफ्त में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति प्रथम डोज लगवाने के बाद सेकेंड डोज नहीं लगवाए हैं, वह अपने नजदीकी सेंटरों तथा जिला अस्पताल पर जाकर अपना वैक्सीनेशन करा ले, जिससे जनपद को कोरोना से मुक्त रखा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, नाम के साथ दिखा रहा है आपका, कहाँ है? आज हमारे जनपद में 225 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक हमने टोटल 33,83,000 से ज़्यादा डोज लगा चुके हैं, उसमें 23,82,000 से ज़्यादा फर्स्ट डोज और 10,00,000 से ज़्यादा सेकेंड डोज लगाया गया है। सर जनपद जनपद में से अपील है कि वैक्सीनेशन चल रहा है, रोज़ चल रहा है वैक्सीनेशन, हमारे सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में वैक्सीनेशन चल रहा है। और जनता से अपील है कि सभी लोग जिनका भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, चाहे वो फर्स्ट डोज एक भी डोज नहीं हुआ है या फर्स्ट डोज होकर के सेकंड डोज बच रहा है, वो हमारे सेंटरों पर आए और अपना वैक्सीनेशन करा करके पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित हो जाए और ज़िले को हम कोरोना से मुक्त कर सकें।